नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधांशु राय सावधान मूवमेंट की ओर से आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सावधान मूवमेंट लॉकडाउन के प्रथम दिन से ही अलग अलग तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही और बहुत ही सफलतापूर्वक लॉकडाउन का पहला चरण पूरा किया। लॉकडाउन का द्वितीय चरण शुरू हो चुका है। इसमें सावधान मूवमेंट एक नई मुहिम के साथ, एक नई पहल के साथ फिर से आई है और इस बार उसने अपनी लॉकडाउन परामर्श की एक समिति तैयार की है जो समाज के हर वर्ग को परामर्श देगी, किसी भी एरिया से संबंधित हो, प्राइमरी स्कूल के छात्र छात्राओं से लेकर हायर एजुकेशन तक, किचन से न्यू डिश बनाने के लिए, डॉक्टर से सावधान रहने के टिप्स लेने के लिए और भी बहुत से आर्थिक, व्यापार, हर तरीके का एरिया इसमें समाहित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से डॉक्टर कामायनी शर्मा, डॉक्टर इंद्र मोहन रोहतगी, प्रीति पालीवाल, रुचि त्रिवेदी, डॉक्टर अनुराग पांडे, ये बेसिक विभाग के जो टीचर्स हैं उन लोग को इसमें इंक्लूड, जिससे कि हम बेसिक जो छात्र छात्राएं हैं, प्राइमरी स्कूल के छात्र छात्राएं और उनके अभिभावकगण, उनसे पूरा परामर्श ले सकते हैं, उचित टिप्स ले सकते हैं कि कैसे हम पढ़ाई करें और अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। साथ ही साथ डॉक्टर किट्टी टंडन, गुरुचरण सिंह अरोड़ा, ये दो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में इसमें उपस्थित हैं। राजीव मिश्रा जी ये शोध के कार्यों को देख रहे हैं और जो भी पर्सन शोध से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहता है वो श्री राजीव मिश्रा जी से ले सकता है। पारुल भार्गव जी ये ICSE CBSE के जो 10+2 के स्टूडेंट्स हैं वो इनसे पूरे टिप्स ले सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। उदिता शर्मा जी ये इनसे आप आर्थिक जो आर्थिक वाला पार्ट है वो आप इनसे कंसर्न कर सकते हैं। इंद्रमोहन रोहतगी से आप व्यापार से संबंधित परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर हेमंत मोहन होम्योपैथी के एक जाने माने नाम हैं, एक होम्योपैथी डॉक्टर्स, तो इनसे आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स अगर आपको लग रही हैं, कुछ आपको कोई सिम्टम दिख रहे हैं, तो आप डॉक्टर हेमंत मोहन जी से जानकारी ले सकते हैं। अनुराधा सिंह जी ये एक समाज सेवी के रूप में एक जाना माना नाम, एक इनसे आप कि किस तरीके से समाज सेवियों के लिए क्या क्या टिप्स दिए जा सकते हैं वो आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमती प्रभा पांडे जी, प्रभा किचन के नाम से इनका यूट्यूब चैनल चलता है, रोज नई नई डिशेस, महिलाएं खास तौर पे इनसे संपर्क कर सकती हैं। डॉक्टर नीता अग्नोत्री जी ये एक वरिष्ठ शिक्षक हैं, डिग्री कॉलेज में शिक्षक हैं, इनसे आप जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं वो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर शिवा मिश्रा जी सक्षम संस्था की महिला प्रमुख हैं और जो भी दिव्यांगजन और अगर ऑनलाइन टीचिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो डॉक्टर शिवा मिश्रा जी से। श्रीमती भावना श्रीवास्तव योगा टीचर, योग के जो भी इस समय सबसे उचित समय है कि आप लोग योग में अपने को सम्मिलित कर सकते हैं, योग के टिप्स ले सकते हैं। इसी प्रकार से श्री जी एस कोष्ठा जी ये योग इंस्टीट्यूट के, योग एसोसिएशन के ये उसके पदाधिकारी हैं, अपने अलग अलग यूट्यूब चैनल से लोगों को योगा सिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को परामर्श दाता बनाया है और यही परामर्श दाता हमारे समाज के हर वर्ग के लोगों को परामर्श देंगे, जिससे कि आपका लॉकडाउन का द्वितीय चरण आपका सफलतापूर्वक कटेगा और आपको संतुष्टि मिलेगी कि हमने इस लॉकडाउन में कुछ ना कुछ सीखा और अपनी व्यक्तित्व क्षमता को आगे बढ़ाया। मैं डॉक्टर सिद्धांशु राय, आपके जो भी किसी प्रकार का अगर आपको तनाव है, आपको मोटिवेशन चाहिए या हैप्पीनेस कैसे ले सकते हैं उसके लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।